उत्पाद विभाग अधीक्षक गणेश प्रसाद के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर 750 ml की 75 बोतल विदेशी शराब लहरिया सराय रैक पॉइंट से एक सराह हुआ ट्रक से बरामद किया गया। उसके आधार पर हम टीम जो बनाए थे उसमें अवर एसआई सुरेश राम और एसआई बीजापुर विजय कुमार चौधरी को भेजा गया था। उसमें जो है माल गोदाम के पास बिहार के तरफ से जो पूरा बिहार में जो है उत्कृष्ट काम करते हैं, चाहे वो कंस्टेबल से लेकर सुप्रिंटेंडेंट हो उन सब या असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन सभी को जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है उनको पुरस्कृत किया जाता है। दरभंगा जिला आयुक्त मयंक वखरे की अध्यक्षता में प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक लहरिया सराय आयुक्त सभा कक्ष में किया गया। बैठक में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिला अधिकारी शामिल हुए। नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए लहरिया सराय दरभंगा के सिनवारा निवासी रणधीर कुमार चौधरी ने बताया कि उसे नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपया ठगा जा चुका है। अब वापस मांगने पर उसे धमकी दी जा रही है। डिसीजन दिया गया था जो पहले पार्टी का पैसा 3 लाख रुपया दिया जाए। इसके अलावा चूंकि 2 बार नॉन ब्लैमेबल वारंट निकल चुका है लेकिन आज तक अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हो चुका। रणधीर कुमार भरतार नहर रोड थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा। ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 16वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को यह हड़ताल एक दिवसीय अनशन के रूप में प्रधान डाकघर दरभंगा में किया गया। हड़ताल कर रहे ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांग पर अडिग रहे, वहीं वे लोग जो डाकघर में अपना धन राशि जमा किए हैं उसे निकालने के लिए परेशान है। डाकघर में आए कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अभी हम लोगों का बड़ा पर्व ईद आने वाला है। हम लोग तारसराय से यहाँ कई दिनों से अपना जमा राशि निकालने आते हैं लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। पूरा हुआ है, निकल नहीं रहा है। तीसरा दफा घूम के जा रहा है, अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है बात करने के लिए। ऐसी हड़ताल हो गई है। ये सब पब्लिक की विकास की बात की, अपनी विकास की बात कर रही है, सो ही समझ में नहीं आता है पब्लिक को। दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र के पिहरोना निवासी अमरेंद्र यादव का पुत्र रोहल यादव सुबह में साइकिल से जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ है कार से, साइकिल से जा रहा था। ग्रामीण डाक कर्मी ने भूख हड़ताल अपने वेतन को लेकर लहरिया सराय प्रधान डाकघर पर किया। डाक कर्मी बलराम झा ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो कल दरभंगा प्रधान डाकघर के सामने आत्मदाह करेंगे। नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 6/6/2018 के एक दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा वजह हो गया है इसलिए हमको मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे। इसलिए हम लोग आज इस हड़ताल में शामिल हैं। हम लोग इस धरना पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम क्या करें, मेरे साथ भी मजबूरी है, मेरा बच्चा रोड पर आ गया है। हम लोग
क्या करें, आत्मदाह करने के पोजीशन में हम लोग आ गए। चाय और पकौड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों को लाइव से खेल रहे हैं और कर्मचारी के जिंदगी और लाइव से खेल रहे हैं। हम लोग लास्ट में आके आत्मदाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मेरा यही कारण है। रमजान का महीना है, कपड़ा लेना है और क्या नाम है, कपड़ा लेना है, बच्चों को ईद और त्यौहार में ले जाना है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? ऐसा तो सरकार जाम की हुई है, पैसा दे तब ना बच्चों की। बीती रात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर गैस गोदाम के सामने चूना पैकेट से लदे एक पिकअप वैन से झारखंड निर्मित 75 कार्टून शराब पुलिस ने जब्त किया। यह वैन लावारिस हालत में थी, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बंगाल से एक पिकअप पर पूरा भर करके दारू लेके आ रहा है, जिसका पिकअप पर नंबर दिया गया था उसको पीछा कराया। पीछा कराते हुए पीछा करते हुए उसको आभास हो गया कि पुलिस पीछा कर रही है, तो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गंगा सागर के पास गली में ढुका दिया और छोड़ करके भाग दिया। पीछा करते हुए पुलिस पहुँची, उसको चेक किया गया, उसमें हाइट सीमेंट कुट्टी का घोरा था ऊपर में और कुछ के नीचे में पूरा दारू का पाना। कितना था सर? था पूरा गिनती नहीं, उसमें है रॉयल स्टेट दारू है, पाया गया और सभी लोग मुझे भाग गए। उन लोगों को बाल दर्ज कर करके छापामारी की जा रही है। दारू लाया गया इस संबंध में पता चल गया कि कौन कौन लोग था इसमें शामिल, उसको चिन्हित कर लिया गया, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यही कहना चाहते हैं कि अभी बिहार में शराबबंदी है, इसको नियम का पालन करें और इसमें जो भी संलिप्त है ये काम न करें, मुख्य धारा में अपना काम करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार त्रैमासिक समाचार बुलेटिन प्रकाशित करने जा रही है, जिसकी बैठक बुधवार को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आयोजित की गई। बैठक में संपादक मंडल के रूप में डॉक्टर रतन कुमार चौधरी, डॉक्टर हरे कृष्ण एवं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने बताया कि यह त्रैमासिक समाचार विश्वविद्यालय दर्पण के नाम से जाना जाएगा, जो प्रत्येक 3 महीना पर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित किया जाएगा। कुलाधिपति के आदेश से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में समाचार बिल्कुल, इसमें मुख्यतः विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ रहेंगी, विश्वविद्यालय के विभाग, विश्वविद्यालय कार्यालय, यहाँ जो शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं।